मुंशी, इसको डेरे पे लेके चलो, इसका आज बंदोबस्त करते हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो। ओह नो! ओए, मेरी ऊंटनी किधर गई? ओए, ये ठाकुर साहब मेरी ऊंटनी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? जल्दी से जाता हूँ कि ऐसा ना हो ठाकुर साहब मेरी ऊंटनी की टांग ही ना काट दे। ठाकुर साहब ऊंटनी को बांध दिया है, अब इसका क्या करना है? जाओ जल्दी से टोका लेके आओ, इसकी अभी टांग काटते हैं। इसके मालिक को कई दफा समझाया है कि हमारी फसलों में अपनी ऊंटनी ना छोड़ा करे। अरे ठाकुर साहब, इस बेजुबान जानवर पर जुल्म ना करें, खुदा के लिए रहम करें इस पर। ठाकुर साहब, ये आइंदा आपके फसलों में नहीं जाएगी, वो मेरी आंख लग गई थी इसलिए ये चली गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं नहीं, मैंने फैसला कर लिया, अब इसकी मैं टांग ही काटूंगा। ठाकुर साहब, अगर आपने इस बेजुबान जानवर पर जुल्म किया तो इसका अंजाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। आपने वो हजरत साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी का वाकया नहीं सुना हुआ? ऊंटनी पर जुल्म सिर्फ चार बंदों ने किया था और उसका अजाब पूरी कौम पर आया था। हैं? क्या ये सही कह रहा है? जी ठाकुर साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये वाकया मैंने भी सुना हुआ है। इसका मतलब है कि मैंने ऊंटनी की टांग काटी तो मुझ पे भी अजाब आ सकता है। हाँ जी ठाकुर साहब, मैं तो कहता हूँ एक दफा फिर सोच लें। इस दफा तेरी ऊंटनी को छोड़ रहा हूँ, अगली दफा कुछ और ही करूँगा। अब बेहतरी इसी में, इसको जल्दी से यहाँ से ले जाओ। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बेजुबान पर रहम किया, खुदा आपको इसका अजर जरूर देगा। देख मुंशी, इस ऊंटनी के मालिक ने तो मेरी आंखें खोल दी। जाने अनजाने में अगर बेजुबान जानवर पर जुल्म हो जाता तो हमारा अंजाम भी हजरत सारे इस्लाम की कौम की तरह होना था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इस बेजुबान जानवर पर जुल्म करने से बचा लिया। इस्लाम हमें जानवरों के साथ शफकत और रहम का मामला करना सिखाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद और उन पर जुल्म को अजाब और सजा की वजह बताया है। इसलिए हमें चाहिए कि इंसानों के हकूक के साथ साथ जानवरों के हकूक का भी खास ख्याल रखा जाए।